हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं अरबी मसाला। कल हमने आपके साथ शेयर किया था अरबी टुक की रेसिपी, जो कि बरसात के मौसम में एज अ स्नैक्स आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो उसी के साथ हमने ये रेसिपी भी आपके लिए बताया था कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, और ये आप एक साथ दोनों रेसिपीज भी बना सकते हैं, जिसकी फुल वीडियो मैं आपको जल्दी ही शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से आपकी अरबी ले ली है। तो टुक के लिए कौन सी बेहतर रहेंगी और अरबी मसाला के लिए कौन सी बेहतर रहेंगी, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। यहाँ पे करीबन मैंने 1 kg ऑफ टैरो रूट्स, मतलब कि अरबी, बॉईल करने के लिए कुकर में रख दी है। ये मैंने अराउंड जो पानी है इसके थोड़ा सा ऊपर ही लिए। आपको सिर्फ एक विसल लगानी है इसमें, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पता है कि अरबी की क्वालिटी क्या है, मतलब कब कुछ अरबी जो है एक सिटी में आराम से गल जाती है, कुछ को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चॉप करने के बाद भी, तो ये अरबी बहुत अच्छी थी। तो ये अरबी सिर्फ एक सीटी में ही बहुत अच्छे से प्रॉपरली बॉईल हो गई थी। इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऑप्शनल है, ऑयल आप ना चाहें तब नहीं भी ऐड कर सकते। तो यहाँ पर हमने सॉल्ट एंड ऑयल दोनों ही ऐड कर दिया है, और इसको हमने 1 whistle लगा के रख देंगे, और तब तक आप जो भी अपने प्रिपरेशंस हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये रेसिपी बरसात के मौसम में जो है ना, बहुत अरबी की रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, बट अरबी टुक बहुत सारे लोगों को बनाना नहीं आता है, इसीलिए मैंने आपसे अरबी टुक की रेसिपी शेयर की थी कल। तो अब मैं इसके साथ उसका लिंक शेयर कर दूँगी आपको, तो आप इसमें देख सकते हैं जाके वो वीडियो भी। आपको डेफिनेटली बहुत पसंद है कि बच्चे अरबी नहीं खाते हैं अगर, तो आप उस तरह से बना के देंगे तो डेफिनेटली वो इन्जॉय करेंगे, और आप एक साथ 2 रेसिपीज़ आराम से बना सकते हैं। आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं 2-3 दिन के लिए, बस आपको ओवन करना होगा या फिर उसको दोबारा से रोस्ट करना होगा। बस 1 whistle के बाद मेरी अरबी कुछ इस तरह से दिख रही है। आपको लग रहा है ना ज़्यादा बॉईल हो गई है, बट ये सिर्फ 1 whistle के बाद ही है प्रॉपरली कुक हो गई है। इसका आप जितना भी वाटर कंटेंट है वो आप रिलीज आउट कर देंगे, और यहाँ पे देखिए इस तरह से अरबी को आप थोड़ा सा फ़ैन में रख दीजिए ताकि ये ड्राई हो जाएगा, और आपको स्किन इसके रिमूव करने में आसानी होगी। वैसे भी मॉइस्चर अच्छा रहता है इसमें, तो आराम से हो जाएगा। और थोड़ा सा भी चिकनाहट इसकी गायब हो जाती है तो मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने इसे नाइफ़ की सपोर्ट से यहाँ पे पील आउट किया है। तो आप भी नाइफ या फिर आप हाथों से जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इस तरह की अरबी जो फुल साइज़ मैंने रखी है, जो स्मूथ टेक्सचर वाली थी, उसको मैंने ले लिया है अपनी अरबी मसाला के लिए। तो 1/2 kg ऑफ मैंने टुक में यूज़ किया था, 1/2 kg ऑफ अरबी मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो नॉर्मल अरबी मसाला बनाते हैं ना, ये उससे थोड़ा अलग है। वो कैसे, वो आपको बताएंगे अभी रेसिपी के साथ में। तो यहाँ पे हमने जो कुकर लिया है, आप चाहें तो कढ़ाई ही ले सकते हैं, बट कढ़ाई में आपको जनरली होता है कि कभी कभी अरबी वही वाला इशू है कि अरबी आपकी अच्छी है तब तो आपको कढ़ाई में वो पक जाएगी। वैसे ही बॉयल हो गई तो ऑलमोस्ट वो रेडी है मेरी वाली अरबी। तो आपको अगर लगता है कि आपकी अरबी 1 whistle में नहीं हुई है तो आप फिर कुकर में ही बनाएं, अदरवाइज़ आप कढ़ाई में बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ पे आप अजवाइन डाल देंगे 1 teaspoon अराउंड। आप यहाँ पे जो भी खड़े मसाले आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। खड़े मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं खड़े मसाले डाल देती हूँ, और मैं इसकी बहुत कम क्वांटिटी ही रखती हूँ। तो यहाँ पर हमने तेज़पत्ता, थोड़ा सा मेथी दाना और स्टार फ्रूट, और ड्राइड स्टार फ्रूट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही साथ मैंने पेस्ट बनाया था अनियन, गार्लिक एंड जिंजर का, जिसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, क्योंकि मसाला अरबी की ग्रेवी थोड़ी थिक रखनी होती है, इसीलिए यहाँ पे हमने जो है आपकी ग्रेवी के लिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज लिया है, और आप इसी में जिंजर और गार्लिक भी ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। फिर इसी बीच में आपको यहाँ पे आप उसको थोड़े देर के लिए कवर करके रख सकते हैं। ये स्टील का कुकर है इसीलिए इसमें जल्दी लग जाता है, तो आपको बीच बीच में अगर आप स्टील का कुकर यूज़ कर रहे हैं तो जल्दी चेक करना पड़ेगा। मैंने ऑयल भी कम डाला था इसीलिए भी ये थोड़ा सा लग गया, तो मुझे बार बार चेक करना पड़ा था। यहाँ पर मैंने करीबन 1.5 चम्मच से 2 चम्मच तक आपका धनिया पाउडर ऐड किया है, मतलब कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा गर्म मसाला जो घर का पिसा हुआ था, इसलिए क्वांटिटी कम ली है। बहुत इसका तीखा टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा खुशबू है इसके घर के गर्म मसाले की, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कम क्वांटिटी ली है। हल्दी लिया है, आप 1 से 1.5 चम्मच तक आप हल्दी रख सकते हो। मिर्च आप ग्रीन चिलीज डाल रहे हो तो आप अवॉइड कर सकते हो कोई भी चिली, मैं तो येलो चिली पाउडर यूज़ करती हूँ तो वही मैंने यूज़ किया है। ग्रीन चिली मैंने अभी यूज़ नहीं करी है इसमें, आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पे आप इसको नमक डाल के कवर करके पकने के लिए मसाला छोड़ दें, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अच्छा, अरबी को बॉईल करके आप 2-3 दिन के लिए रख भी सकते हैं, जब भी आपको लगता है। आप टुक बना सकते हैं बाद में भी, बरसात के मौसम में कभी भी, क्योंकि उसमें कोई बेसन है और किसी चीज़ की एज एन रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी, बस जो भी बेसिक इन्ग्रीडियंट्स हैं उसके साथ आप बना सकते हैं। तो वो रेसिपी का मैं लिंक शेयर करूँगी आपके साथ, डेफिनेटली इसको देखना ना भूलें, और बिल्कुल भी रेसिपी को आप एक बार ट्राई करना ना भूलें। और ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है और डिफरेंट है एकदम, मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने बहुत टाइम पहले खाई थी और मैं तब से मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको आए दिन बना लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे बस हमारा अरबी मसाला का जो रेडी हो गया है हमारा ग्रेवी, और ये ऑलमोस्ट इसका मॉइस्चर रिलीज़ हो गया, मसाला हमारा पक चुका है, फिर भी हम इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अब जो मेन है अरबी मसाला में जो हम करते हैं उससे थोड़ा सा अलग, मैंने जो बताया था वो हम इसी टाइम पे अरेंज कर लेंगे। मतलब आपको सोयाबीन की जो बड़ी होती है ना, वो आपको न्यूट्रला चंक्स जो होते हैं वो आपको सोक करके रख देने हैं। रोस्टेड है तो रोस्टेड सोक करके रख दीजिए, अदरवाइज़ मैंने तो नॉर्मल ही है, रोस्टेड नहीं लिया, उसको सोक करके रख दिया। आप चाहें तो उसको बीच में से चॉप कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल साइज़ हो आप इसमें चंक्स डाल सकते हैं। तो ये तो देसी सोयाबीन बड़ी जो आती है नॉर्मल शॉप पे, वैसे वाली है, तो ये टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए वो बेसिक बड़ी है ये, वो आप इसमें ऐड कर देंगे। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में अरबी नहीं बना रही हूँ, 1/2 kg मतलब 500 grams ही मैंने यहाँ पे अरबी लिया है बॉइल्ड, और इसके साथ मैंने करीबन 1 कटोरी नॉर्मल वो आपके यहाँ पे सोयाबीन बड़ी ली थी, उसको सोक कर लिया था काफ़ी देर, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सॉल्ट ऐड कर दिया, अगर आपको कम लगता है तो, हींग अभी तक आपने नहीं डाली तो अब आप ऐड कर सकते हैं। मुझे उस टाइम पे जलने का डर लगता है, इसीलिए मैं इस टाइम पे लास्ट स्टेज में ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आसपास में काफ़ी ऑयल हो रहा है, क्योंकि मेरे टुक भी साथ साथ बन रहे हैं, तो इसीलिए वो फ्राई होने में आपके आसपास में छींटे आ रहे हैं। तो यहाँ पे अरबी को मैंने जो बॉईल किया हुआ था ना, उसे इस तरह से नॉर्मल पीसेस में चॉप कर लिया है, थोड़े थिक पीसेस में ही चॉप करें, क्योंकि अभी आप इसको बॉईल करेंगे तो वो फिर आपके बिल्कुल ग्रेवी जैसा बन जाएगा, इसीलिए आपको थिक स्लाइसेस रखने हैं, अगर आपकी अरबी ओवर कुक्ड हो गई है तो, या फिर नॉर्मल है तब भी, क्योंकि अब इसमें टेस्ट के 2-3 सीटी तो लगेगी। तो बस इसको सीटी लगा लेते हैं हम 2 से 3, और ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। अब हम सर्व कर रहे हैं आप चपाती के साथ, राइस के साथ, इसे एंजॉय कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक टुक को बनाइए और चाय के साथ एंजॉय कीजिए। बाय।